पहले सुलेमानी की हत्या, फिर ईरान को धमकी पर धमकी। I will say this, if Iran does anything that they shouldn't be doing, they're going to be suffering the consequences and very strongly. ईरान ने किया हमला तो पढ़ने लगे शांति का पाठ। For JCPOA, and we must all work together toward making a deal with Iran that makes the world a safer and more peaceful. दो दिन में बदले ट्रंप के तेवर। मिसाइल अटैक के बाद भी ट्रंप क्यों रहे खामोश? حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد. این مسئله دیگری است. ایران کا تماچا کیوں سہ گیا امریکہ؟ ٹرمپ کے یو ٹرن کی ان سائیڈ سٹوری۔ जी हाँ, हर तरफ यही सवाल उठ रहा है कि क्या ये ट्रंप का यू टर्न है। नमस्कार, स्वागत है आपका, जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रश्मि। अमेरिका के मिसाइल अटैक में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद से बौखलाया ईरान बेहद गुस्से में है। सुलेमानी की मौत का बदला लेने की कसम खाने वाला ईरान लगातार इराक में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के पास एक से बढ़कर एक घातक हथियार हैं, लेकिन वो फिलहाल उनका इस्तेमाल नहीं करेगा और आर्थिक प्रतिबंध ही ईरान के लिए काफी है। ट्रंप के बयान से सवाल उठता है कि क्या ट्रंप थोड़े नर्म पड़ गए हैं? If Iran does anything that they shouldn't be doing, they're going to be suffering the consequences, and very strongly. They must now break away from the remnants of the Iran deal, or JCPOA. And we must all work together toward making a deal with Iran that makes the world a safer and more peaceful place. कल तक ईरान की हर ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर ढीले पड़ते नजर आ रहे हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप ईरान के किसी भी हमले के बाद गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दे रहे थे, वो अब शांति का पाठ पढ़ाने लगे हैं। Must abandon its nuclear ambitions and end its support for terrorism. The time has come for the United Kingdom, Germany, France, Russia, and China to recognize this reality, or JCPOA. And we must all work together toward making a deal with Iran that makes the world a safer and more peaceful place. ट्रंप का ये अंदाज ज्यादातर लोगों को हैरान भी कर रहा था। दुनिया के सामने आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने सैनिकों और एयरबेसों की सुरक्षा को लेकर डर गए हैं, या फिर ट्रंप के यू टर्न के पीछे कोई और ही वजह है? दरअसल ट्रंप के नरम पड़ते तेवरों के पीछे भी एक सोची समझी योजना है। दरअसल अमेरिका के खाड़ी के 20 देशों में करीब 70,000 सैनिकों और 100 सैन्य बेस मौजूद हैं। युद्ध होने की स्थिति में सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं को था। इन्हीं की सुरक्षा के लिए ट्रंप अब अपने बर्ताव में नरमी लाने लगे हैं। ईरान ने पहले ही अमेरिका के इन ठिकानों को निशाना बनाने की धमकी दे डाली थी। और ये सीली दिशा भी इन्हों ज़दे शोद। इन मसाले दीगरी। दुनिया की ज्यादातर शक्तियों ने अभी तक ईरान को ही नसीहत दी है। अमेरिका ने भी हालात को देखते हुए चाल चली है। ये समझना मुश्किल नहीं है कि अमेरिका किसी भी हालत में अपने सैनिकों और बेसों को खोना नहीं चाहता, यानी शांति की बात ट्रंप का ट्रंप कार्ड है। वहीं 8 जनवरी को इराक में अमेरिका के सैनिक अड्डों पर ईरान के हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति पहली बार जब मीडिया के सामने आए तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस दावे को खारिज किया जिसमें ईरान ने अपने हमले में 80 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की बात कही थी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के सैनिक सुरक्षित हैं। No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. We suffered no casualties. All of our soldiers are safe
and only minimal damage was sustained at our military bases. वैसे ईरान के हमले के बाद इराक में अल असद बेस की सैटेलाइट तस्वीरें भी आई हैं। ये तस्वीरें प्लैनेट लैब ने जारी की हैं। पहली तस्वीर 25 दिसंबर की है, जिसमें अल असद बेस सही सलामत दिख रहा है। दूसरी तस्वीर 8 जनवरी की है, जिसमें अल असद बेस में तबाही साफ दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों से साफ है कि ईरान के मिसाइल हमले से अमेरिकी बेस को नुकसान जरूर हुआ है। ट्रंप ने अमेरिका के हथियारों की धौंस दिखाते हुए कहा कि अमेरिका के पास एक से बढ़कर एक घातक हथियार हैं, लेकिन वो उनका इस्तेमाल करना नहीं चाहते। Our missiles are big, powerful, accurate, lethal and fast. Under construction are many hypersonic missiles. The fact that we have this great military and equipment, however, does not mean we have to use it. We do not want to use it. American strength, both military and economic, is the best deterrent. हालांकि ट्रंप ने कहा कि वो युद्ध नहीं चाहते, फिलहाल वो ईरान को रोकने के लिए आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं। Continue to evaluate options in response to Iranian aggression. The United States will immediately impose additional punishing economic sanctions on the Iranian regime. These powerful sanctions will remain until Iran changes its behavior. वहीं ईरान ने भी आज जब हमला किया तो जानबूझकर टारगेट मिस किया। ईरान ने इस हमले में अमेरिकी कैंपों को काफी हद तक बचा दिया, ताकि जो संकट मंडरा रहा है वो नियंत्रण से बाहर ना हो जाए, जबकि दोनों देशों के बीच अभी भी समाधान के संकेत मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान और अमेरिका के रुख में नरमी इसलिए भी आई है क्योंकि दुनिया भर से भी इसको लेकर दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया पहले से ही आर्थिक मंदी सुस्ती की मार झेल रहा है। अमेरिका और चीन के ट्रेड वॉर से परेशान है और अगर ऐसे में युद्ध होता है तो हालात बेहद बदतर होंगे। Iran must abandon its nuclear ambitions and end its support for terrorism. این که اول راهه، طبق صحبت‌های حضرت آقا یه دونه بزنن 10 تا می‌خورن. امروز فعلا دو مرحله حمله بوده و خیلی حس غرور برام بود که قبل از خاکسپاری حاج قاسم این اتفاق افتاد و این انتقام ما گرفتیم. अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी से दुनिया के कई देशों पर असर पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो अपने देश के खिलाफ साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। शांति की बात करने वाले ट्रंप ने आतंकवाद के नाम पर चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों से ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ आने की भी अपील की है। साफ है कि तीसरे विश्व युद्ध की आहट के बीच दुनिया दो धड़ों में बंटती नजर आ रही है। ब्रिटेन ने गठबंधन सेना की मौजूदगी वाले इराकी सैन्य अड्डों पर ईरान के मिसाइल हमलों की निंदा की है। इराक के राष्ट्रपति ने ईरान के मिसाइल हमलों की निंदा की है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अगर ईरान इसराइल पर हमला करेगा तो उसे उचित जवाब दिया जाएगा। चीन ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। चीन ने कहा कि वो तनाव की इस स्थिति को कम करने में मदद करने के लिए जिम्मेदार भूमिका निभाएगा। चीन, रूस और ईरान ने दिसंबर 2019 में ही संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। अमेरिका ईरान के बीच अगर विवाद बढ़ता है तो ये देश भी युद्ध में शामिल हो सकते हैं। सऊदी अरब यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों से लड़ रहा है। अगर ईरान की ओर से कोई कार्रवाई की जाती है तो रियाद इसका पूरी तरह जवाब देगा। हाल ही में तुर्की ने सीरिया में ईरान समर्थित हिजबुल्ला बलों पर हमला किया था। अमेरिका, चीन, रूस और इसराइल सभी के पास परमाणु हथियार हैं। इन तीनों के पास अगली पीढ़ी की हाइपरसोनिक मिसाइलें भी हैं, जो सभी रक्षा प्रणालियों को तोड़ने में सक्षम हैं। ऐसे में तीसरे विश्व युद्ध के समय क्या हालात होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। Iran should not repeat these reckless and dangerous attacks, but must instead pursue urgent de-escalation.
दुनिया की नजरें अब ट्रंप के अगले कदम पर टिकी हैं। ट्रंप भले ही अपनी सैन्य क्षमता को सबसे बेहतर बता रहे हों, लेकिन अमेरिका को ईरान से जो चुनौती मिली है उससे निपटना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। हम आपको बताते हैं कि कैसे अमेरिकी सैन्य ठिकाने ईरान के निशाने पर हैं। सीरिया में अमेरिकी सेना के 2000 सैनिक हैं, जॉर्डन में 2795, इराक में 5200 अमेरिकी सैनिक हैं, कुवैत में करीब 13000 अमेरिकी सैनिकों ने डेरा डाल रखा है, जबकि बहरीन में 7000 और कतर में 13000 सैनिक हैं। यूएई में भी 5000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। पिछले दिनों अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने एक रिपोर्ट में बताया था कि मध्य पूर्व के देशों में ईरान के पास सबसे ज्यादा मिसाइलें हैं, लेकिन अमेरिका से उलझना ईरान को भी भारी पड़ने वाला है। आप ये नक्शा देखिए और समझिए कि कैसे अमेरिका ने ईरान को अलग अलग देशों में बनाए अपने सैन्य बेसों से घेरा हुआ है। जॉर्डन, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, टर्की, इजराइल और जिबोती में अमेरिकी सैन्य बेस हैं। मैप में आप देख सकते हैं कि किन जगहों पर अमेरिका के नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के बेस हैं, और जरूरत पड़ने पर अमेरिका चारों तरफ से ईरान को घेर सकता है। अमेरिका के सहयोगी देशों ने अगर अमेरिका को अपने सैन्य बेस का इस्तेमाल करने दिया तो ईरान के लिए स्थिति और बदतर हो सकती है। इसके बावजूद ईरान कह रहा है कि वो किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए तैयार है। साफ है, ईरान अब अमेरिका से आर पार के मूड में है। अब ईरान के तमाचे का बदला अमेरिका कैसे लेगा? क्या ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग छेड़ देंगे? क्या दुनिया एक बार फिर परमाणु जंग का खौफनाक रूप देखेगी? दुनिया से वर्ल्ड वॉर का संकट कितना दूर है, ये ट्रंप के ईरान के खिलाफ अगले कदम पर ही निर्भर करेगा। लेकिन इतना तो तय है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव की ये आग जल्द बुझती नहीं दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको बता दें कि ईरान के हमले के 24 घंटे के अंदर बगदाद में दूसरा हमला हुआ है। इराक की राजधानी बगदाद में आज फिर रॉकेट से हमले किए गए। अमेरिकी दूतावास के पास ग्रीन जोन में 2 रॉकेट गिरे हैं। खबरों के मुताबिक रॉकेट ने जानबूझकर टारगेट को मिस किया। रॉकेट हमले के बाद बगदाद में सुरक्षा सायरन की आवाजें सुनी गई। रॉकेट के हमले में अब तक किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। ईरान का फिर इंतकाम, अमेरिका पर मिसाइल अटैक। आधी रात को फिर से अमेरिकी बेस पर हमला। ट्रंप की धमकी बेअसर, ईरान बदले के लिए तैयार, क्योंकि ईरान ने ट्रंप की तमाम धमकियों के बावजूद इराक में 24 घंटे में दूसरा हमला किया है। ईरान गुस्से में है, ईरान बदला लेने को तैयार। ईरान अमेरिका की धमकियों से बेपरवाह है। ईरान अपने जनरल की मौत पर मातम नहीं मना रहा है, बल्कि बदला लेना चाहता है। इसीलिए एक बार फिर से इराक में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ। हमले में अमेरिकी दूतावास में ग्रीन जोन में 2 रॉकेट गिरे हैं। रॉकेट गिरने के बाद बगदाद में सुरक्षा सायरन की आवाजें गूंजने लगी हैं। हालांकि खबरों के मुताबिक हमले में अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। खबरों के मुताबिक जानबूझकर टारगेट को मिस किया गया है, मतलब ईरान बदला लेना चाहता है। हालांकि वो एक गुंजाइश भी रख रहा है। क्या गुंजाइश शांति का है या गुंजाइश और बड़े हमले का? क्यों ईरान बदला लेना चाहता है? एक दिन पहले ही ईरान ने इराक में 2 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। 15 मिसाइलों से किए गए इस हमले में ईरानी मीडिया के मुताबिक 80 लोग मारे गए थे। हालांकि ट्रंप ने किसी भी नुकसान से इनकार किया। संख्या चाहे जो भी हो, हमले चाहे जितने भी हों, लेकिन ये तय है कि विश्व युद्ध की संभावनाएं लगातार बनती जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मोर्द हमले करार गिरफ्त हमजमान। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहाँ पर फोन लौटते हैं।